सर ये देखिए 280 mm सैनिटरी नैपकिन, 90% बायोडिग्रेडेबल रहेगा हमारा ये पीस, और ये 6 लेयर में नैपकिन रहेगा। मैं अभी आपको इसका डेमो दिखाती हूँ। ये देखिए सबसे पहली लेयर तो हमारा रिलीज पेपर ही हो गया है, जिसे हमने रिलीज कर कर पेस्ट किया है। आप देखेंगे कितने अच्छे से ये पेस्ट हो गया। उसके बाद अब आप देखिए इसमें अच्छो से हम डाल चुके हैं प्लस 30। प्लस 30 और हम इसमें अभी डालेंगे, क्योंकि जितना स्पीडली हम इसमें डाल रहे हैं इतना स्पीडली हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम इसमें 90 ml पानी डाल चुके हैं। कुछ सेकंड हम इसे देंगे, पूरा नैपकिन ये हमारा ड्राई हो जाएगा। आप अभी भी देख रहे हैं पानी इसमें बैठने लग गया है। ये देखिए पानी बैठता जा रहा है। ये देखिए आप पूरा नैपकिन ड्राई हो गया आपके सामने है। ये देखिए ये हमारे लीक चैनल के साथ प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ही पीस रहेगा। ये देखिए ये देखिए अब आपको मैं इसकी लेयर्स दिखाती हूँ। इसमें मैं आपको जेल दिखाती हूँ। ये देखिए सबसे पहले हमारा ये टॉप लेयर है। ये देखिए प्रॉपर कोट नहीं रहेगा। उसके बाद हमारा ये एयरलिट पेपर आ गया है, उसके बाद हमारा टिश्यू पेपर आ गया है, उसके बाद ये हमारा सैप जेल आ गया है। जेल के नीचे फिर एयरलिट पेपर है, टिश्यू पेपर है, उसके बाद हमारा ये बॉटम है। तो अब टोटल आप देखेंगे हमारी कितनी लेयर हो गई। टॉप लेयर हो गई, उसके बाद एयरलिट पेपर हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, फिर जेल हो गई, फिर टिश्यू पेपर, फिर एयरलिट पेपर, फिर बॉटम पेपर एंड फिर रिलीज पेपर। इस तरह से हमारी पूरी 7 लेयर नैपकिन ये बन रहा है। और आप ये देखिए पूरा कॉर्निश आपको पूरा ड्राई हो चुका है। ये देखिए आप जो पूरा 100 ml का डेमो आपको क्लियर होता है। इससे ज़्यादा क्या मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें जो 10% पीस बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उसका रीज़न ये है कि इसमें लीकेज को रोकने के लिए हमें बॉटम पे रिक्वायरमेंट रहती है। साथ में ये पीस विर्थ इसकी चौड़ी रहेगी, पीस पतला नहीं रहेगा। अब आप देखिए आपको जिस तरह से भी चाहिए, आपको पैकिंग में चाहिए, आपको लूज चाहिए, इसमें आपको मिल जाएगा 255 mm, 280 mm एंड 320 mm। थैंक यू।